विकास खंड मैत्री स्त्री पंचायत चुनाव का मतदान 8 जुलाई 2022 को अंतिम चरण में होगा, उसी को लेकर अब पंच सरपंच जनपद पंचायत के उम्मीदवार गांव-गांव में जाकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करते दिखाई दे रहे हैं। उसी को लेकर आज जिला पंचायत पद के वार्ड क्रमांक 6 से युवा उम्मीदवार गायत्री राजेंद्र पुरोहित ने अपना जनसंपर्क किया। इस दौरान मेरा देश मेरा प्रदेश न्यूज़ चैनल से खास बातचीत के दौरान अपनी जीत को लेकर काफ़ी आश्वस्त भी नजर आई। वहीं इनके प्रचार में विधायक प्रताप ग्रिवाल भी आम लोगों से जनसंपर्क करते हुए दिखे। देखें पूरी खबर मेरा देश मेरा प्रदेश पर। सरदारपुर से विक्रम सिंह चावड़ा की रिपोर्ट। मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है, ये मौका मिला है कि मैं देश की सेवा कर सकूं, और हर कोई मुझे एक बेटी की तरह प्यार दे रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सब लोग बहुत उत्साह बढ़ा रहे हैं मेरा प्यार दे देकर, और मैं देश की सेवा करने के लिए तैयार हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब वो एक बेटी की तरह मुझे प्यार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बेटा इस बार तू ही जीतेगी। आम लोगों का समर्थन मुझे बहुत ज्यादा मिल रहा है, सब एक बेटी की तरह मुझसे व्यवहार कर रहे हैं और उसी तरीके का आशीर्वाद मिल रहा है। हर कोई बच्चा बड़ा बूढ़ा सब बहन बेटी की तरह प्यार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार दो पत्ती का निशान ही जीतेगा और हम तुझे ही वोट देंगे, तो उससे मेरा और मोटिवेशन बढ़ रहा है। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं सबका बहुत भारी जन समर्थन मिल रहा है, और जीत तो निश्चित है पर मैं आशीर्वाद निरंतर लेती रहूंगी उनसे। जो सरपंच या जो उम्मीदवार होता है वो हर बार विकास की बात करता है लेकिन विकास नहीं हो पाता, जैसे यहाँ भी अपन देख रहे हैं नाली नहीं बनी जी, तो इसके लेकर आप क्या प्रयास करेंगे आने वाले समय में? आपके मैं चाहूंगी कि सबसे पहले शिक्षा जो है वो आगे बढ़े, क्योंकि अगर आप चाहते विकास लंबे समय तक टिका रहे या विकास होता रहे तो उसके लिए लोगों का जो एक शिक्षा का लेवल है वो बड़ा होना चाहिए ताकि उनका विकास जो है वो लंबे समय तक टिका रहे। और ऐसा बिल्कुल नहीं है, कुछ कुछ जगहों पे अब काम जो है वो चल ही रहा है और काम हर तरीके से बढ़ रहा है। कहीं पे अगर नाली नहीं है तो कुछ कुछ जगहों पे रोड बन चुके हैं जहाँ पे रोड बनना बहुत मुश्किल था, और सारे काम हो रहे हैं और काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। पर जैसे ही अब चुनाव हो जाएंगे उसके बाद काम बहुत ज्यादा प्रगति से आगे बढ़ेंगे, तो काम करना है और काम होते रहेंगे। जीत के लिए मुझे 100% बिलीव है। मेरा नाम गायत्री राजेंद्र पुरोहित है और मैं वार्ड नंबर 6 से चुनाव लड़ रही हूँ, और दो पति मेरा चुनाव चिन्ह है। त्रिस्तरीय पंचायत सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र की 5, 6, 7, 8 जिला पंचायत में से हम चारों की चारों जिला पंचायत की सीट पर हमारी विजय सुनिश्चित है। हम जनता के बीच में जब जब भी कांग्रेस का विधायक रहा है उस कामों को लेकर के आज पूरे जय क्षेत्र में पेयजल की बात हो, चाहे किसानों के खेत में नर्मदा पानी की बात हो, स्वास्थ्य उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की बात हो, इन सब बातों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीति है, किसान विरोधी नीति है, युवा विरोधी नीति है, जनता विरोधी नीति है, बढ़ती महंगाई और बढ़ते बेरोजगार को भी लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं, और चारों ही वार्ड में 5, 6, 7, 8 में हमारे प्रत्याशियों को अपार जन समर्थन मिल रहा है। और हमारी जो गायत्री राजेंद्र पुरोहित है, चाहे राम कन्या दिलीप सुनिया गुरुचंद जी मसार हो, और हमारे संगीत अनिल नरवे है, चारों के चारों प्रत्याशी भारी बहुमत से सरदारपुर विधानसभा जीत क्षेत्र से जीत रहे हैं। जनपद में भी हमारे जो गांव के जो कार्यकर्ता है अपने, हम जो जनपद ने किसी को भी प्रत्याशी नहीं बनाया हम लोगों ने, लेकिन हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने हिसाब से हमारे जनपद के भी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के कारण हमारी सरदारपुर क्षेत्र में जनपद भी बनेगी, जिला पंचायत भी बनेगा। प्रताप ग्रेवाल विधायक।